हर आदमी का सपना होता है कि वो किराए के घर में नहीं बल्कि अपने घर में रहे। इसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगा देते हैं। ऊंची इमारत में अपने घर की ख्वाहिश रखे लोगों को सावधान करने वाली ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके घर का सपना एक झटके में बिल्डर की धोखाधड़ी से ढह सकता है। देश भर में बिल्डर्स के धोखाधड़ी और मनमानी के किस्से आए दिन सुनने को मिलते हैं। ऐसी ही एक खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप रेडी टू मूव फ्लैट देखकर खरीदने का मन बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने पैसे फ्लैट खरीदने में लगा दें और बाद में पता चले कि वो फ्लैट बिल्डर पहले ही किसी और को बेच चुका है। सारा कुछ फर्जी था, उसके सारे बात फर्जी थी, फेक था। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से कॉन्टैक्ट किया, नो फोन कॉल, स्विच ऑफ, फोन स्विच ऑफ हो गया। ग्रेटर नोएडा के एवीजे हाइट्स के रहने वाले ये लोग हैं तो मकान मालिक, लेकिन किराएदार की तरह रहने को मजबूर हैं। इन्हें किराएदार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग रह तो अपने घर में रहे हैं, लेकिन ना तो ये अपने घर की रजिस्ट्री करा सकते हैं और ना ही इसे बेच सकते हैं, क्योंकि 1200 फ्लैट वाली इस सोसाइटी में 400 से ज्यादा की प्रोफाइल फंडिंग हो रखी है। तो हम लोगों ने FIR भी इसके ऊपर किया हुआ है, करीबन 30-40 लोगों ने FIR किया है, लेकिन पुलिस के डर की वजह से फरार है। टोटल 400-450 फ्लैट ऐसे हैं जिन पे बिल्डर ने डबल सेल, ट्रिपल सेल भी किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रोफाइल फंडिंग होती क्या है। बिल्डर पैसे जुटाने के लिए नौकरी पेशा लोगों के प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। फिर बिल्डर उसी फ्लैट के लिए दूसरे नाम पर अलॉटमेंट लेटर जारी कर देता है, यानी एक फ्लैट पर दो या तीन अलग अलग बैंकों से लोन ले लिया जाता है। बिल्डर के पास जब फंड्स की कमी होती है तो वो ऐसे लोगों को चुनता है जिनको, जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, उन्हें आसानी से लोन मिल सकता है। तो वो अपनी ही जो प्रोजेक्ट है उसके फ्लैट्स दूसरे को बेच देता है अपनी तरफ से 10% पैसा जमा करके। एवीजे हाइट्स के बिल्डर विनय जैन ने यहां के लोगों को धोखे में रखकर 400 से ज्यादा फ्लैट अलग अलग लोगों को बेच दिए हैं। ग्राहकों के साथ धोखा कर बेशुमार पैसा बटोर बिल्डर सोसाइटी का बाकी बचा हुआ काम छोड़कर फरार हो चुका है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लाखों रुपए इस बिल्डर को दे दिए और ये बिल्डर वो पूरा पैसा लेकर गायब हो गया है। इन लोगों की एक और परेशानी ये है कि इन्हें अब ग्रेटर नोएडा और NPCL यानी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड का करोड़ों रुपए बकाया चुकाना पड़ रहा है जो बिल्डर के नाम पर है। अगर ये वक्त पर पैसा नहीं भरते हैं तो बिजली काट दी जाती है, जिसका नतीजा भुगतते हैं सोसाइटी में रहने वाले लोग, जो लिफ्ट बंद हो जाने से 18 मंजिल की सोसाइटी में सीढ़ी चढ़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं। फिर ये रेसिडेंट को ही आगे बढ़ के आना पड़ा कि अभी आगे इनको ही काम करना है क्योंकि बिल्डर है नहीं, तो बिजली के पेमेंट या उनके अंदर का जो मेंटेनेंस है, लिफ्ट वगैरह जो है, सब कुछ अब रेसिडेंट को ही देखना है। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO का भी मानना है कि बिल्डर ने लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है, जिसके खिलाफ प्राधिकरण ने भी FIR दर्ज कराई है। सारे कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम लोग सारे अपनी वेबसाइट में अपलोड कराते हैं, तो आपने पोजीशन लेते वक्त ये चीज़ देखना चाहिए था कि उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी है या नहीं जारी है। कल को वहाँ पे कोई माली हादसा हो जाता है तो हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अधिकारियों के दावे और वादे कुछ भी हो, लेकिन सच ये है कि बिल्डर विनय जैन ने तमाम नियम कायदों को ताक पर रख कर सभी लोगों को धोखा दिया है। लेकिन अभी तक ना तो पुलिस ने और ना ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया है। प्रमोद शर्मा, Zee Media, ग्रेटर नोएडा।